मंगलवार को होने जा रहे मिनी मेयर के चुनाव को भविष्य की राजनीति के जोड़ तोड़ का ट्रायल माना जा रहा है। वर्तमान संख्या बल के अनुसार 10 में से 8 जोन में भाजपा का सभापति बनने में किसी तरह की बाधाएं नहीं है। कामठी रोड पर स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल व संशोधन केंद्र के विस्तार को लेकर हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेशों का पालन नहीं किए जाने पर कुणाल राउत की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई। सोमवार को मनपा के अतिक्रमण उन्मूलन दस्ते ने अभियान जारी रखते हुए न केवल 308 अतिक्रमण साफ किए बल्कि कड़ी कार्रवाई करते हुए 6 ट्रक सामान भी जब्त किया। रविवार को अवकाश का दिन होने के कारण टेस्टिंग भी कम हुई। जिले में 2735 लोगों की जांच की गई, जिसमें 498 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वाटोड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह दिन दहला देने वाली वारदात हुई। विवाह समारोह में हिस्सा लेने जा रही दंपत्ति की बाइक को ट्रक चालक ने पीछे से टक्कर मार दी। कुराड़ी थाना अंतर्गत बोखरा परिसर में रविवार की रात असामाजिक तत्वों ने जमकर आतंक मचाया। एक के बाद एक दर्जन भर वाहनों की कांच फोड़कर आरोपी फरार हो गए। नाला साहेब चौक परिसर में स्थित तवक्कल हॉल में चल रहे जुए अड्डे पर तहसील पुलिस ने छापा मारा। जुआ खेलते 26 जुआरियों को दबोचा गया। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार बिजली ग्राहकों को डरा धमका कर बिजली काटने की कार्रवाई कर रही है। ग्राहकों को पुलिस कार्रवाई का भय दिखाया जा रहा है। तेजी से बढ़ रही पेट्रोल कीमतों को देखते हुए इसके अगले कुछ दिनों में 100 रुपए के स्तर को छू लेने का अनुमान लगाया जा रहा है। सोमवार को शहर में पेट्रोल 95.57 रुपए बिका। 15 फरवरी की आधी रात से हर गाड़ी पर फास्टैग लगाना अनिवार्य हो गया। जिन गाड़ियों पर फास्टैग नहीं होगा उन्हें दुगना टोल टैक्स चुकाना होगा।